ये एक पॉलिटिकल ड्रामा खेलते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कम से कम 3 स्टेट तो एक साथ करा दो। नवंबर में दिल्ली का इलेक्शन हम मांग रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ करा दो। केवल और केवल ये ध्यान भटकाने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, जनता के अदालत में गए, ये एक स्ट्रेटजी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है और फिर चुनाव हार के उन विधायकों को खरीदती है, विधायक नहीं खरीद पाते तो ईडी और सीबीआई की रीड कराती है और फिर परेशान करती है। परंतु इनके सारे मंत्र आम आदमी पार्टी के ऊपर इन्होंने चलाए और फेल हुए। हमारा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व इन्होंने गिरफ्तार किया। अरविंद जी ना झुके ना टूटे, हिम्मत के साथ लड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि सीबीआई सरकार का तोता है, तोते की आवाज बोलना बंद करे, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि केस सरासर झूठा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सत्ता की पावर का दुरुपयोग किया, वो बाहर आए, जेल के ताले तोड़ के बाहर आए। और अब उन्होंने कहा कि देश की अदालत ने तो मुझे बाहर किया, परंतु जो दुनिया की सर्वोच्च अदालत है, देश की सर्वोच्च अदालत है, दिल्ली की सर्वोच्च अदालत है, मैं उस जनता के पास जाऊंगा और जनता फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूं तो मैं उस कुर्सी पर दोबारा बैठूंगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पहले इनकम टैक्स के कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, दोबारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान के अंदर और ऐसा व्यक्ति देखने वाला नहीं है। आज वो व्यक्ति कह रहा है कि आप नवंबर में 2 राज्यों के साथ दिल्ली का चुनाव कराओ, वो तो आपकी ताकत नहीं है, वो तो आप कराना नहीं चाहते, पूरे देश का कैसे कराएंगे। हरियाणा में चुनाव है तो किस तरह का प्लान है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, सभी विधानसभाओं पे लड़ रही है, सरकार बनाने की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। आज मैं बेरी विधानसभा में आया हूँ, सोनू अहलावत जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। पूरी ताकत के साथ हजार सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी नजर आएंगे हरियाणा? जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, परसों से आएंगे। परसों से। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 7 वादे किए हैं जिसमें 2 लाख नौकरियां हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री है, इस तरह की कई वादे ऑब्वियस भी शामिल है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी में बातें कह चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी, 300 यूनिट बिजली की माफ हर घर में और दिसंबर 2023 तक आप बिजली का बकाया बिल माफ। ये गारंटी दिल्ली में लागू कर रखी है, पंजाब में लागू कर रखी है, पहली बार नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हर युवक को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हरियाणा के हर स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की, सरकारी हॉस्पिटलें दिल्ली की तरह पे बेहतर बनाने की। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को 1000 रुपये महीना देने।